by Heart UK, the cholesterol charity. वेलकम बैक टू द वेलनेस शो जी हाँ वेलनेस शो में बात होती है हेल्थ की और हेल्थ के लिए कहते हैं दे इज़ नो शॉर्टकट टू ए लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ और हेल्थी लाइफ के लिए तो डाइटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं डाइटरी जो एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे कहते हैं कि पोअर डाइट इज़ द बिगेस्ट ग्लोबल हेल्थ रिस्क और इसीलिए जो है डाइटिशन हमारी जो है बुलदेश रॉय वो आपको हर वीक हर इनफैक्ट या yeah, हर वीक आपको एडवाइस देती हैं आइए देखते हैं आज आपका क्वेश्चन क्या है और बलदेश का आंसर क्या है मेरा नाम हरदेव सिंह पट्टी है तो मैं ये पूछना चाहता कि सायन खाना है साउथ एशियन खाना है कि सेहत ल अच्छा है तो दूसरी गल मैं क्वेश्चन पूछना चाहता कि सा है या होम मेड हो या जब बाज़ार देसी घ्यो जो है सेहत ल अच्छा है they came mr hadev saying problem hoti hai what we're eating in our diets not so much south asian diets mediterranean diets italian diets her diet me her culture me गुड थिंग्स होती है एंड द नॉट सो गुड थिंग्स वैसे ही हमारी जो डाइट्स हैं इट कैन बी हेल्थी वेरी हेल्थी और इट कैन बी वेरी अनहेल्थी सो चलो देखते हैं जो हमारी ट्रेडिशनल साउथ एशियन डाइट है उसको हम हेल्थी कैसे बना सकते हैं लेट्स स्टार्ट विद ब्रेकफेस्ट फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट के लिए अगर आप ब्रेड लेते हैं इंस्टेड ऑफ़ द वाइट ब्रेड go for the whole grain bread ya yeah, 50 50 the bolte hain koi bhi whole grain varieties will add that fiber in it will be much better for you generally for your health parathe ki jagah yahan par paratha hai अगर आपको stuffed पराठा अच्छा लगता है जैसे आलू का पराठा हो missi roti हो ऐसे आलू का पराठा जो है it's quite heavy. और मुझे मालूम है कि इस कंट्री में और जब आजकल तो सब कंट्रीज़ में वेमेन आर वर्किंग मैन वर्किंग तो आलू के पराठे रोज़ थोड़ी बढ़ते हैं बनते हैं लेकिन एट वी कैन फाइन लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है यू वाचिंग योर वेट जो आलू का पराठा होता है इट्स मच हैवियर कार्बोहाइड्रेट काफ़ी हो जाते हैं तो इसलिए अगर पराठा खाना ही है तो गो फॉर द प्लेनर वर्जन और उसको भी ड्राई आ, रोस्ट करें जैसे कि थोड़ा सा ऑयल यूज़ कीजिए घी या बटर नहीं आ, उसको बनाने के लिए और जितनी आप उसको स्टफिंग करेंगे जैसे मेथी की हो या आ, कोई भी वेजिटेबल कॉलीफ्लावर वगैरह यूल बी गेटिंग सम फाइबर इन एज वेल एज वेजिटेबल्स इन इंस्टेड ऑफ़ जस्ट हैवी आलू के पराँे दूसरी बात रही द चॉइसेस ऑफ फूड्स जैसे कि घी जो है ये जो घी है हम काफ़ी लोग समझते हैं कि घर का जो घी बना हुआ होता है इट्स मच बेटर देन जो बाजारी घी लेते हैं लेकिन इट्स द सेम द सेचुरेट फैट इज़ द सेम थ्री टी स्पून ऑफ़ घी इज गिविंग यू टेन ग्राम्स ऑफ सैचुरेट फैट विच इन टर्न कैन बूस्ट योर कोलेस्ट्रॉ लेवल्स विच इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट हेल्थ सो घी मत यूज़ कीजिए अगर आपने तड़का लगाना है या कोई एक चीज़ का वगार करना है यूज ऑयल और वो भी ऑयल विच इज़ रिच इन द अनसेचुरेट फैट्स आव जस्ट गॉट एन एग्जाम्पल है ये रेप सीड ऑयल ऑयल है विच इज़ क्वाइट गुड फॉर हमारी दाल सब्जी के लिए बनाने को लेकिन ऑल द वेजिटेबल ऑयल्स आर फाइन एंड ये ऑयल जो भी है कितने लोगों को आदत है कि जब हम कुछ बनाते हैं वी जस्ट फो द ऑयल हम इसको मेजर नहीं करते सो गेट इनटू अ हैबिट टू एक्चुअली मेजर कि आप कितना ऑयल डालते हैं बिकॉज हमारी जो दाल हैं सब्जी हैं वेरी हेल्थी लेकिन हम कितना ऑयल उसमें डालते हैं कितना फैट डालते हैं दैट्स मेक इट इटन और रही बात काफ़ी लोग जब दाल वगैरह पकाते हैं ये मेरे घर में भी होता है एंड इट माय डैड इज़ वाचिंग प्लीज़ वॉच आउट जब दाल बनती है या साग बनता है उसके ऊपर डेढ़ सा बटर डाल देते हैं सो इट इट्स डिफीट द ऑब्जेक्टिव सो बेसिकली दाल सब्जी जब भी बनाए कम ऑयल यूज़ कीजिए और ऊपर से बटर या घी या जो भी आप एक्स्ट्रा डाल रहे हैं वो ना डालिए यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं जो ऑब्वियसली हाई फैट हमारे ट्रडिशनल स्नैक्स समोसे ले लीजिए पकौड़े ले लीजिए डोकरा नहीं हाई फैट है दिस इज एन ऑप्शन फॉर दोस्त जिनको थोड़ा सा नमकीन चीज़ें अच्छी लगती है लेकिन समोसे भी यू कैन एक्चुअली बेक दम एज अपोज ये तो डीप फ्राइड किए हुए हैं वैसे ही समोसे बनाइए लेकिन इसको डीप फ्राई करने की जगह आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऊपर ब्रश करके इसको अवन में रख दिए बिकम क्वाइट क्रिस्पी जस्ट नीड टू टर्न दम सो यू कैन स्टिल हैव आपके समोसे विदाउट हैविंग ऑल दैट ऑल दोज कैलोरीज और रही बात और चीज़ों की पापड़ पापड़ हमको पसंद है लेकिन ये फ्राइड पापड़ है इसी जगह आप ग्रिल्ड लें योक अगेन कटिंग डाउन द फैट कटिंग डाउन द कैलोरीज चॉइस यर यहाँ पर पनीर है यहाँ पर टोफू है टोफू और पनीर टेस्ट में तो दे क्वाइट सिमिलर स्पेशली अगर हम सब्ज़ी के तौर से बनाए या स्टर फ्राई के जो पनीर होता है हम काफ़ी हमारे घरों में इसको हम फ्राई भी करते हैं फिर इसकी सब्जी बनाते हैं जैसे हमारे घरों में कभी भिंडी फ्राई करते हैं कभी ब्रिंजल ओबरजींस फ्राई करते हैं फिर सब्जी बनाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं डू नॉट फ्राई पहले, फिर कुकिंग जस्ट यू स्मोल अमाउंट ऑफ ऑयल एंड देन सो वर आम ट्राइंग टू सेयर इज दैट हमारी जो ट्रेडिशनल कुकिंग है इट कैन बी हेल्थी लेकिन वी आर इन कंट्रोल हम उसको अनहेल्थी बना देते हैं थैंक यू वेरी मच बुलदीश आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है वाकई जो आप बताते हैं लेकिन अभी हम आप जा रहे हैं अब हेल्थ के हेल्थ का एक और एस्पेक्ट जिसको हम बात करते हैं और वो है इस वक्त इमोशनल आपके कोई इश्यूज हैं कोई है, जो मेंटल इश्यूज हैं रिलेशनशिप के इश्यूज हैं उसके ऊपर अब बात शुरू होगी और उसके लिए जो है हमारी दो बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं जिनको बिखरती लाइफ को समेटना भी आता है और बिखरते जहनों को फोकस देना भी आता है <laughs> आइए उनको वेलकम ते हैं आसमा सूत्र वाला बहुत ही जानी मैनी सोशल वर्कर हैं ये आई थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस और पुष्पिंदर चौधरी आपके तो कहना है क्या यहाँ साइकोथेरापिस्ट फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम वेरी एमिनेंट साइकोथेरापिस्ट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस लेडीज जी हाँ बात हम कर रहे थे पिछले ही वीक में जो मैं ये दोबारा लेटर पढ़ूंगी लेकिन आपके इतने सारे फ़ोन कॉल्स आए थे पिछली वीक और बहुत सी सजेशंस भी आई थी लेकिन इस बार जो हम चाहेंगे कि आई थिंक इफ यंगर जनरेशन दे जस्ट रियली दे जस्ट कम फॉरवर्ड एंड दे गिव अस सम इंफॉर्मेशन और सम काइंड ऑफ़ गाइडेंस टू दोज लेडीज़ और दोजेंट यंगस्टर्स हु हैव कम फ्रॉम बैक होम आप हमें बताइए कि इज़ दे एनी यू वुड लाइक टू टेल दैम और इसके लिए हम आपको नंबर जो है द नंबर Is there, आप हमें फोन कीजिए एंड जिएन इनफैक्ट यू नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट यंगस्टर्स एनी वन वुड लाइक टू एक्चुअली गिव अस सम सम गाइडेंस सम कॉमेंट्स और आपके एक्सपीरियंसिस जो है उनको भी जरूर हमें बताइए लास्ट टाइम इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग प्रोग्राम और मैं फिर से ये आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी ये जो लेटर हमारा पिछला था और उसमें ये इन्होंने लिखा था कि माई my wife doesn't want to learn english and she's from back home and i have been born and brought up over here all my friends have gotten married to girls that are born and brought up over here and can communicate very well in english my wife criticizes our social life of how we all get on well she also doesn't react very well or understand the cultural differences which is ruining my social life what do i do तो ये पिछले वीक का जो है लेटर उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि आप लोगों की इनपुट बिल्कुल नहीं थी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी काफ़ी सारी इनपुट थी और आज भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग जो है वो फ़ोन करेंगे और हमें बताएंगे अपना एक्सपीरियंस और इस यंग कपल को भी जो अगर आप एडवाइस कोई देना चाहें कोई गाइडेंस देना चाहें जी आप पहले शुरू करें आसो आसमा मैं आसो आपको कहती हूँ <laughs> कोई बात नहीं <laughs> <आसो, आस्मा>। जी <coughs> <coughs> पहले तो ये है कि लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने काफ़ी स्ट्रेस uh, एक वर्ड पे किया था कि जो भी यहाँ आता है उनको सेटल होने में टाइम लगता है सो टाइम इज़ अ वेरी बिग फैक्टर और ये जो जिन्होंने ख़त लिखा है वो जॉइंट फैमिली में है वो नहीं पता और कितना अरसा हो गया वो नहीं पता और ये लास्ट uh, वीक से ये वीक तक सॉरी थ्रोट इज बैड मैंने बहुत सोचा और मैंने ये सोचा कि जब ये जो भाई ने ख़त लिखा है तो वो या तो वो um, नई शादी हुई है या तो थोड़ा अरसा हो गया है जो भी है लेकिन hmm. उनको मुझे लगता है कि अपनी बीबी के ऊपर प्यार है और प्यार इसलिए है कि वो भी यहाँ आके अच्छी तरह से सेटल हो जाए और अपने एक सोशल लाइफ ग्रूप में, ग्रूप में मिंगल, मिंगल हो जाए, जाए। कि अकेलापन ना लगे अभी जब इतने कंसर्न है हस्बैंड को कि मेरी बीबी इंग्लिश सीखे हाँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अपनी वाइफ को भी उनकी वाइफ को भी थोड़ा एफर्ट करना चाहिए और ये एफ़र्ट करने के लिए अगर वो या तो आपको ख़त लिखे आप उर्दू भी पढ़ सकती हैं और या तो आ, कोई भी अपने फ्रेंड्स हो या किसी का मशवरा लेकर वो अच्छी तरह से अपने लाइफ को एक, एक, सही रास्ते पे लगा सकती चैनलाइज कर सकती हैं टूवर्ड्स समथिंग कंस्ट्रक्टिव तो ये मुझे लगता है कि हस्बैंड का एक प्यार है उसकी बीबी के लिए कि वो ये खत आप तक पहुंचा है जी बिल्कुल जी आप क्या कहेंगी पुष्पिंदर खत पढ़ने से ये लगता है कि जो आ, मियाँ हैं उनके वो इस बात पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि मेरी आ, जो वाइफ है वो क्या नहीं कर रही <laughs> और मे भी अगर वो अपने बीवी से चाहते हैं कि वो आ, उनके आ, ग्रुप में सिमिलेट हो सकें तो उन्हें ये बहुत ज़रूरी है कि वो उनसे प्यार से ये बात समझाएं कि आ, वो उनको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो भी उनके साथ उतना ही इन्जॉय करें जैसे वो अपने फ्रेंड्स में इंजॉय करते हैं और एक बात आ, नहीं हमें भूलनी चाहिए कि वो लड़की अपने फ्रेंड्स छोड़ के आई है पूरा, पूरा अपना माहौल एक जो है अपने, उसका है, बिल्कुल वो अपने कल्चर छोड़ कर आई है तो उसको बहुत हेल्प की ज़रूरत है और अगर उन्होंने ये शादी को सक्सेसफुल बनाना है तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये समझ सकें कि वो लड़की क्या चाहती है अभी तक हम यही बात कर रहे हैं कि उनके मियाँ क्या चाहते हैं बिल्कुल वो लड़की क्या चाहती है उस लड़की के क्या फीलिंग्स हैं और वो अपने बहन भाइयों को भी छोड़ के आई है उसने नई रिश्तेदारी बनानी है सो so, ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि दूरियां कम हो जाएं बढ़े नहीं समय के साथ जैसे आसमा जी कह रही थी कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है वैसे इस समय के साथ बात बिगड़ भी सकती हाँ, है लेकिन कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बिटवीन टू पीपल कोई भी रिलेशन हो कम्युनिकेशन जब तक आप उनसे ये बात नहीं करेंगे मेरे ख्याल है अगर आप उनको ये नहीं कहेंगे कि कि भाई भाई जरूरी है जी, अगर उसके लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं एंड ही इज द बेस्ट पर्सन टू एक्चुअली टू गाइड गाइड हा बिकॉज ही नोज द नॉर्म्स ऑफ दिस कंट्री ही अबाउट दिस कंट्री तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे जो मेरे ख्याल में एक जो बात आ रही थी वो ये कि अगर वो किसी भी जैसे चैरिटी है या किसी भी ऐसी जगह पर जाना शुरू कर दें वॉल्टेरली जहाँ पे आपको जॉब में ज़ाहिर है आपको वो नहीं मिलेंगे पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन यू विल लर्न सो मच यू नो जो मैंने एक दो मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने शुरू इस तरह किया था कि दे टू तो गो टू अ चैरिटी एंड दे दूस टू वर्क फॉर देम एंड नेचुरली दे वर इंटरेक्टिंग विद सो मेनी इंग्लिश पीपल और उससे उन्होंने जो सीखा वो आई थिंक दैट वॉज प्राइसलेस तो हाँ, आप ये। क्या कहती हैं कि वो किसी एसोसिएशन से ज्वाइन कर लें किसी पार्ट टाइम जॉब को शुरू कर दें चाहे वो टिल पर ही खड़े होने वाला हो आई थिंक यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट ये बात जो आप कर रही हैं ना ये तभी हो सकती है जब कॉन्फिडेंस हो उस लड़की में और हाँ. वो कॉन्फिडेंस जो देना है वो हा, वो बहुत ज़रूरी है कि वो उनके फैमिली से, से उनकी उनके पति से और और फ्रेंड्स से आए सो ये काम वो तभी कर सकती है अगर उनके जो आसपास के लोग हैं जो फैमिली है उनको सपोर्ट करके कहें देखो मैं वहाँ आपको छोड़ आता हूँ हाँ अगर हाँ, हाँ, ले मगर जाता पहले भी ले बताना ले भी उन्हीं को होगा कि देखो ये जो जगह है ना यहाँ पर तुमको जाना चाहिए और मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा और उनसे भी बात करके आऊंगा कि शी आई मीन थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती हो सकती है लेकिन बोलना नहीं आता ब्रेक कॉन्फिडेंस ब्रेक द लेकिन मैं अभी हम इस बात को जारी रखेंगे और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपका कोई भी जो है एक्सपीरियंस है इनिशियल एक्सपीरियंस इज दिस इन दिस कंट्री और अगर आपने कोई भी चीजें सीखी हैं यहाँ आकर तो आप प्लीज़ हमें बताइए इस तरह जो है बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलेगी और वैसे भी अगर आपने लेटर भी लिखना हो तो इन्फो एट यासमीन कुरैशी डॉट कॉम आप लिख सकते हैं कोई आपका क्वेश्चन हो और इसके अलावा जो भी अगर आपके पास इस वक्त कोई भी सजेशन हो कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कीजिएगा लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक The Wellness Show sponsored by Heart UK, the cholesterol charity.